सो हे गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो गाइज, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में फिर वो देखा है, तो कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप भी अपनी इमेजेस लगाकर कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर सिंपली मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है। तो गाइज, जो अलाइट मोशन का जो गाइज लिंक है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहाँ पर उस मैसेज को पिन कर दिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपको एक प्रीसेट को इम्पोर्ट कर लेना होगा, ये प्रीसेट मिलेगा और साथ में एक बीट मार्क प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो इनको भी इंपोर्ट कर लेना है। तो दोनों को एक एक करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि हमारे बीट मार्क प्रोजेक्ट XML फाइल या मेरे जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको कैसे डाउनलोड करना होता है या लाइट मोशन में कैसे इंपोर्ट करना होता है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हूँ। गाइस, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से लिरिक्स मिल जाएगा और यहाँ पर गाइस आपको कुछ बीट मार्क यानी कि बीट मार्क देखने को मिलेगा। इन सभी बीट मार्क में आपको अपने इमेजेस को ऐड करना है और इधर मैंने लिरिक्स की टेक्स्ट पहले से लिख कर रखा हुआ है। नीचे आपको सॉन्ग भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉन्ग वगैरह सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी देखो, यहाँ पर अगर आपकी लिरिक्स की टेक्स्ट इस तरह से नहीं दिख रहा है, तो क्या सबसे पहले आपको लिरिक्स की जो फॉन्ट है ना, डाउनलोड कर लेना है। और जैसे उसको डाउनलोड करके ऐड करोगे, वैसे आपकी लिरिक्स अपने आप ऐसे कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट को कैसे ऐड करना, देखो एडिट टैक्स में आना और यहाँ पर क्लिक कर लेना। देख दो गाइस, यहाँ पर कुशान कुछ ऐसे नाम का गाइस यहाँ पर फॉन्ट की नेम है, तो जो भी हो यहाँ पर अपने ध्यान से देख लेना। अब ये ऑल फॉन्ट्स में आएंगे, थ्री डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स में आएंगे। जहाँ भी आपने फॉन्ट को डाउनलोड करके रखा होगा, इजिली फॉन्ट को आपने सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यहीं पर शो हो जाएगा फॉन्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शो नहीं होगा, तो गाइस यहाँ पर आपने सिंपली सर्च में आके उस फॉन्ट की नेम लिख लेना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ये वाला फॉन्ट है, सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अपने फिर से नेक्स्ट लिरिक्स को टैप कर लेना और उसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। फिर से गाइस, अपने नेक्स्ट लिरिक्स को सिलेक्ट कर लेना, फिर से उसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। तो एक एक करके आपने यहाँ पर अपने सभी लिरिक्स को यहाँ पर चेंज कर लेना, कुछ इस तरह से इसकी फॉन्ट को चेंज कर लेना होगा। अब जैसे गाइस, तो फॉन्ट के चेंज करने के बाद में गाइस अब यहाँ पर आ जाना है। और वैसे उसके बाद में फिर आपको करना है क्या है, देखो इधर ना अपनी फोटोज़ को ऐड करना होगा, जिस फोटो से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ प्लस पे और मीडिया के ऑप्शन में आके यहाँ पे इमेज को हमने ऐड कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आकर अपनी इमेज को यहाँ पर फुल स्क्रीन करके जूम कर लीजिएगा और इसको सेंटर में फिक्स कर लेना होगा, ओके। अब इस ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे तो जहाँ तक इसकी बीट मार्क होगा आ जाना है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट इधर से क्लिक करके ट्रिम कर लीजिएगा। फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके नेक्स्ट इमेज को आपने ऐड कर लेना, कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन करके सेंटर में फिक्स कर लेना, जहाँ तक बीट मार्क होगा आ जाना, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा। सो गाइस, कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बस आप अपने इमेज को ऐड करते हुए चले जाना वीडियो के एंड तक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। तो एंड तक आप एक एक करके इमेज को ऐड कर लेना। तो चले गाइस, पहले यहाँ पर मैं इमेज को ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इन सभी लिरिक्स पे और इमेज वगैरह पे कैसे इफेक्ट को ऐड करना है। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहना। तो फाइनली गाइज, यहाँ पर मैंने सभी इमेज को ऐड कर लिया है, तो कुछ इस तरह से इमेज को ऐड कर देना होगा। अभी हम सिंपली बैक होकर प्रीसेट इफेक्ट में आ जाएंगे, तो प्रोजेक्ट पर क्लिक करके ये प्रीसेट वाले में आ जाएंगे। देखो, कुछ इस तरह से प्रीसेट मिलेगा। पहले हमें यहाँ पर लिरिक्स वाला प्रीसेट मिल जाएगा, फिर इमेज वाला, फिर सेकंड में भी इमेज वाला। तो पहले लिरिक्स पर क्लिक करके इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पर आकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और बीट मार्क में आ जाना। आप जितने भी लिरिक्स है क्लिक करके इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पर आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना। नेक्स्ट लिरिक्स को भी क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर से इस नेक्स्ट लिरिक्स को क्लिक करके पेस्ट कर लीजिएगा। देन इधर भी क्लिक कर लेना गाइस, इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट कर लीजिएगा। इधर भी क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना होगा, ओके। तो जितने भी लिरिक्स हैं गाइस, सभी पे आपने कुछ इस तरह से इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है। और आपको गाइस अगर कलर चेंज करना है लिरिक्स की टैक्स की, तो देखो यहाँ पर देखो ब्राउन कलर की एक कलर आ रही है,
तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा लिरिक्स पे, इफेक्ट में आ जाना और यहाँ पे स्ट्रैप्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना। अभी कलर जाओगे तो यहाँ पर देखो कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करके ग्रीन कर सकते हो। यहाँ पर जो भी कलर करना अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इस ऑप्शन में क्लिक करके गाइस इसको यहाँ पर बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करके इसको पूरी डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी कलर को मैनेज कर सकते हो गाइस, ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से आपको करके दिखा दिया। तो लिरिक्स के काम कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम बैक होकर प्रीसेट में आएंगे और पहली जो हमारी फर्स्ट में जो इमेज मिलेगा इसको सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ से वीट मार्क में आ जाना होगा। अब गाइज यहाँ पे इधर आ जाना है और जहाँ से गाइज हमारी फोटो प्ले होकर उधर आएंगे, फर्स्ट फोटो पे ही हमने क्लिक करना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, फिर एक फोटो को छोड़ के दूसरी फोटो को क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर लेना, फिर से एक फोटो को छोड़ के कुछ इस तरह से दूसरी फोटो पर क्लिक करके पेस्ट कर लेना है। तो गाइज स्टेप बाय स्टेप बस आपको एक एक फोटो को छोड़ते हुए जाना है और यहाँ पर वीडियो के एंड तक आपको कुछ इस तरह से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर से छोड़ते हुए जाना है, वीडियो के एंड तक आपको कुछ इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो वीडियो के एंड तक आपने इस इफेक्ट को भी ऐड कर देना है। उसके बाद में हम बैक होकर सेकंड वाली जो इफेक्ट हमें मिला है प्रीसेट वाला, इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और बीट मार्क प्रोजेक्ट में हमने आ जाना होगा। आपका जो जो फोटो हमें बच चुका है ना, तो आप सिंपल उन फोटोज को क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, फिर से इधर क्लिक करके इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे पेस्ट इफेक्ट कर लीजिएगा, उधर भी क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना होगा, ओके। तो गाइस यहाँ पर जो जो फोटो बच चुका है आप उस पर भी इफेक्ट लगा लेना, यानी वीडियो की एंड तक, ठीक है। लगाने के बाद हम बैक हो जाएंगे और प्रीसेट में आएंगे तो ऊपर हमें चार इफेक्ट मिल जाएगा जो HDR इफेक्ट है। तो चारों के करके सिलेक्ट करके प्लस में आके कॉपी फोर लेयर कर लेना। अब बीट मार्क में आ जाना है, जहाँ से फोटो प्ले होगी ना गाइज वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और प्लस में क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना। इसकी ड्यूरेशन मैंने पहले से एंड तक करके रखा हुआ है तो आपको एंड तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो फाइनली गाइज यहाँ पर हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिरिक्स प्ले होते दिख जाएगा, उसके बाद में आपके इमेजेस पे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर लेना और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। सो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में।